प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सीखेंगे। फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने एचसीएफ आयद आजम निकालना है तवील तकसीम के तरीके से। तो इसमें हमें दो सवाल मिले हैं। सवाल नंबर 5 जिसकी रकम है 2241, सेकंड जो है 8217, थर्ड जो है 747। और क्वेश्चन नंबर 6 की जो हमें रकम मिली है वो मिली है 30, 120, 90, 210। तो सबसे पहले मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 हल करने का तरीका सिखाऊंगा। देखें, सबसे पहले हमें ये रकम देखनी कि इसके अंदर सबसे बड़ी रकम है कौन सी। वो कौन सी बेटे? 8217। इसको हम तकसीम की निशानी के अंदर रखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इससे छोटी रकम कौन सी है। वो है 2241। अब हमें ये देखना है कि 8217 पे 2241 का पहाड़ा कितनी मरतबा जाएगा। बेटे, ये तकरीबन 3 मरतबा जाएगा। ठीक है ना बेटे? अब यहाँ करके देख लेते हैं कि कितने बनते हैं। अगर हम इसको 3 के साथ जरूर करते हैं, 3 1 3 3 4 12 का क्या लगेगा? 2 हासिल का 1, 3 2 6 और 1 हासिल वाला 7 और 3 2 6, यानी ये बन जाएगा 6723। अगर हम इसको इस तरह करते हैं कि अगर इसको एक मरतबा और देखते हैं 4 के साथ करके, ठीक है बेटे? तो 4 1 4 4 चौके 16 का क्या लगेगा? 6 हासिल का 1, 4 2 8 8 और 1 9, 4 2 8 8। अब ये बन जाएगा 8964। देखें, ये 8964 जो है वो 8217 से ज्यादा है, इसलिए हमारा पहाड़ा जो है वो 3 मरतबा वाला। ठीक है बेटे, 2241 का 3 मरतबा जो जा रहा है वो 6723। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 7 में से 3 निकालेंगे, 4। शाबाश। देखें, यहाँ 1 में से 2 नहीं जा सकते, यहाँ से लिया हासिल तो 11 हो गया। 11 में से 2 निकालेंगे, शाबाश, 9। तो यहाँ कितना रह जाता बेटे? 1 में से 7 नहीं जा सकता, फिर हम हासिल लेंगे 8 से, तो 1 यहाँ से लिया तो कितने हो गए? यहाँ 11 हो गए, 11 में से 7 निकालेंगे, 4। शाबाश। यहाँ बच जाते हैं 7 में से 6 निकालेंगे, बाकी 1 बच जाता है, यानी अब ये रकम हमारे पास बन जाती है 1494। ठीक है बेटे, अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाली जो रकम है 2241 को यहाँ पे लिख देंगे, 2241 यहाँ पे उतार। ठीक है बेटे, अब 1494 का पहाड़ा 2241 पे अगर हम एक मरतबा करते हैं तो ये कितना बनेगा? 1494 हो जाएगा। अब 1 में से 4 निकालेंगे, नहीं जाता ना, तो अब क्या करेंगे? 4 में से यहाँ हासिल लेंगे, अब बन गए 11। 11 में से 4 निकालेंगे, 7। शाबाश, 7। अब यहाँ कितने रह जाते हैं? 3। 3 में से 9 नहीं जा सकते, यहाँ से 1 हासिल या 13 हो गए। 13 में से 9 निकाले, 4। 13 में से 9 निकाले, 4। शाबाश। यहाँ कितना रह जाता है? 1। यहाँ से हासिल लिया 11। 11 में से 4 गए, 7 बेटे। ठीक है, यहाँ कितना रह जाता है? 1। 1 में से 1 निकालेंगे, 0। और जब 0 आ जाता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 747 आ गया। तो अब क्या करेंगे बेटे? अब ये 700, अब ये जो 1497 है, 94 है, 1494 है, यहाँ उतार लेंगे। ठीक है बेटे, तो अब 747 का पहाड़ा 1494 पे 2 मरतबा जाएगा पूरा पूरा बेटे, ये बन जाएगा 1494।
तो चार में से चार निकालेंगे, नौ में से नौ निकालेंगे, चार में से चार निकालेंगे, एक में से एक निकालेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो 747 है बेटे, ये 8217 और 2241 का एचसीएफ है, यानी आयतन है। तो अब ये जो 747 इन दोनों रकमों का आया है, अब हमारे पास तीसरी रकम कौन सी है? 747। अब हमारे पास जो एचसीएफ आया था वो आया था 747। इसको हम 747 के साथ तकसीम करेंगे, तो 747 का पहाड़ा 747 से एक माना जाएगा। शाबाश, सात में से सात गया, चार में से चार गया, सात में से सात गया। एच सी एस जो है कितना है बेटे? 747। इन तीन रकमों का एच सी एस कितना आया? 747 बेटे। और जब तक हम इनको तकसीम करते चले जाएंगे, जब तक उनके आखिर में जीरो ना आ जाए, ये असूल है इसका। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलता हूँ। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंदर सबसे बड़ी रकम कौन सी है? 210। अब हम 210 को इसके अंदर लिखेंगे तकसीम की निशानी के अंदर, और इसके छोटी को, इसके बाद छोटी रकम कौन सी है? 120। अब हम इसको 120 के साथ तकसीम करेंगे, तो 120 का पहाड़ा 210 पे एक बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा बेटे? 120। शाबाश। सिफर में से सिफर निकालेंगे, अब एक में से दो नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे यहाँ से? हासिल किया, 11 हो गए। 11 में से दो निकालेंगे, शाबाश, 9। अब यहाँ कितना रह जाता है? एक में से एक निकालेंगे, 0। जीरो लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे कि इस 120 को हम नीचे उठा देंगे। अब हम 90 का पहाड़ा 120 पे कितने बार हो जाएगा? एक मरतबा। शाबाश। तो सिफर में से सिफर निकालेंगे, तो दो में से नौ नहीं जा सकते, यहाँ से लिया 12, हासिल लिया 12 हो गए। ठीक है बेटे, 12 में से नौ निकालेंगे, 3। शाबाश। अब क्या करेंगे बेटे? अब इस 90 को जिसके साथ हमने तकसीम किया था, उसको फिर यहाँ के तकसीम वाले निशाने में डाल देंगे। अब 30 का पहाड़ा 90 पे कितने मतलब हो जाएगा? 3 मतलब। 30 3 90, तो 0 में से 0 गया, 9 में से 9 गया। अब यानी हमारे पास 210 और 120 का एचसीएफ जो आया है वो कितना है? 30 बेटे। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरी रकम लेते हैं 90 को। अब देखें 90 को एच सी एफ 30 आया है, तो इसके साथ हम तकसीम करेंगे, तो 30 का पारा 3 मरतबा पड़ेंगे, 90 आ गया। सिफर सिफर, इसका भी एच सी एफ कितना आया? 30। इसके बाद कौन सी रकम रह जाती है? 30। अब 30 को हम 30 के पहाड़े के साथ जब तकसीम करेंगे तो कितने मरतबा हो जाएगा? 1 मरतबा। शाबाश। 30 1 30, और यहाँ 0 0 0 क्या? 0। 3 में से 3 क्या? 0। तो इस तरह करके अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था कि जिसके अंदर हमें चार अंक मिली थी, 30 120 90 और 210, इन सब का एच सी एफ जो है बड़े से बड़ा जो है अदर कौन सा हुआ? एच सी एफ इज इक्वल। ठीक है बेटे, ये इसका जवाब। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल पूछना हो तो बेटे। नो सर।